तो गाइस अभी आप लोगों को और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और लाइक का बटन उसे दबा के रख दीजिएगा गाइस। तो लाइक और कमेंट वाला है ना गाइस, उसको दबा के चलना है गाइस, दबा के उसको छोड़ना नहीं है गाइस। जैसे बीबी के साथ में चलते वैसे दबा के चलना है। जय ये देखिए हमारे टकलू जॉम्बी जो काफी अपना किरदार बेहतरीन तरीके से भूमिका से निभा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है जॉम्बी? हाय एवरीवन, तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को हमारे नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे और हमारे पीछे देख सकते हैं। और आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं अपने गांव के पास वाली जंगल में। और चलिए आपको दिखाते हैं कि हमें जंगल में आज क्या मिला है, बहुत ही ख़ास चीज़, बहुत ही स्पेशल मेरे लिए। तो दिखाते हैं, ये रहा ये रहा ये रहा, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि पूरा रेड कलर में है। और यह है भेलवा जो कि हमारे जंगलों में मिलता है, देख सकते हैं, तो काफ़ी मस्त है, देख सकते हैं। और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, मीठा होता है, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। बचपन में हम लोग काफ़ी सारा इसे खाते थे। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। वाओ, तो काफ़ी खुश हो गए हैं गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे जंगल में भेलवा मिला। चलिए और देखते हैं अगल बगल, और देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी भेलवा के पेड़ हैं, यानी छोटे छोटे पौधे हैं अभी। और अभी सीजन तो नहीं है लेकिन हमें मिल गया, शायद ये पीछे का होगा। तो चलिए और जंगल में ढूंढते हैं। और आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे गाँव के जितने भी बैक टू बैक कॉमेडी चैनल के मेंबर्स हैं सभी आए हुए हैं, जो कि जॉम्बीज का उन लोग का शूटिंग चल रहा है। तो उस दिन जो कि हमारे ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि उन लोगों का ब्लॉग डाले थे शूटिंग वाला, जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज संडे है तो सारे बच्चे घर में हैं, स्कूल छुट्टी है, इसलिए तो उन लोग बगल में हमारे कुछ ये मेरे से 200-250 मीटर दूरी पे हैं, जो कि उन लोग अपना शूटिंग कर रहे हैं अपना वीडियो का। तो चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और आपको जंगल का सैर करवाते हैं, हमारे जंगल का। और देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा है चारों तरफ। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, और इधर अभी कुछ बैल बकरी भी थे, कहाँ गए हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और साथ ही हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आपको सबसे पहले भेलवा का पेड़ दिखाते हैं, यानी क्या बोलेंगे, छोटा है। तो चलिए, हाँ, भेलवा का पौधा देख सकते हैं, ये है भेलवा का पौधा यानी पेड़। और देख सकते हैं काफ़ी सारे भेलवा भी है पेड़ में, जो कि ये अभी कच्चा है, देख सकते हैं, पका नहीं है, अभी लगेगा टाइम इसको पकने में, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और हमारे जंगल में काफ़ी सारे भेलवा के पेड़ हैं जो कि अभी पके नहीं हैं, अभी टाइम है पकने में। और भेलवा कौन कौन खाए हैं कमेंट करके ये भी बताना। हम लोग तो बचपन में काफ़ी सारा खाते थे, जब हम लोग छोटे थे उस टाइम हम लोग बकरी लेके हम लोग आते थे चराने के लिए, उस टाइम काफ़ी हम लोग जंगल में घूमते फिरते थे और काफ़ी भेलवा खाते थे हम लोग। तो गाइस हमें फिर से एक पेड़ में मिल गया भेलवा, दिखाते हैं आपको, कहाँ गया भाई। और देख सकते हैं 2 ठो है जो कि पका हुआ है, काफ़ी लाल दिखाई दे रहा है। और इसको पहचानने का एक ही रीज़न है, अगर ये पूरा लाल हो जाता है समझ लीजिए कि पूरी तरह से पक चुका है, देख सकते हैं काफ़ी लाल दिखाई दे रहा है, यानी पूरा तरह से पक चुका है और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसको नहीं खाना है, काला वाला को फेंक देना है, इसका तेल निकाला जाता है, बहुत किस्म का दवा भी बनाया जाता है। और एक भेलवा का पेड़ मिला, और ओनली वन, देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं। हम्म,
सो गाइस देख सकते हैं इतना सारा भेलवा तोड़ चुके हैं। चलिए जंगल से बाहर की ओर निकलते हैं और शूटिंग लोकेशन में आपको ले चलते हैं, तो बने रहिए वीडियो पे ऐसे ही कंटिन्यू। देख सकते हैं और यार एक ठो मिला, देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई में है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है जो कि हमारे गांव की पगडंडी रास्ता है ये। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं जंगल से बाहर, अब चलिए उन लोगों के पास पहुंचते हैं और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है, लग रहा है कि फूलों की बगीचा लगाई गई है। और ये हमारे गांव का लोकेशन है, देख सकते हैं चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फूलों की ही बौछार दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको शूटिंग लोकेशन की ओर और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जंगलों में घूमने में और अपने जंगल से हम काफ़ी प्यार करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है हमें जंगलों में घूमने। और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फूल, काफ़ी प्यारा लग रहा है एकदम। तो क्या करें, कुछ गुनगुना लेते हैं हम भी। और आप सबको पता है कि मेरा फेवरेट सिंगर कौन है, चलिए बताते हैं, जो कि खोरठा सिंगर है मनोज देहाती। और अभी भी हम उनका सॉन्ग सुनते हैं, उनका गाना काफ़ी सारा सुनते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि शुद्ध खोरठा भाषा में गाने वाले वही एक ऐसे सिंगर हैं जो कि हम जैसे सभी बूढ़े नवजीवक बुज़ुर्गों के दिलों को समझते हैं और समाज के सामने कुछ अच्छे अच्छे गीत लाते हैं। उनमें से अभी उनका गाना एक काफ़ी ट्रेंड में है जो कि अभी काफ़ी चल रहा है। तो चलिए दो लाइन आपको सुनाते हैं और सुनने के बाद कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन सा सॉन्ग है सुनाते हैं आपको। हमारी किस्मत में तो रे सुगला उड़ गेले, हमारी किस्मत में तो रे सुगला उड़ गेले तेरे बिन साथ। यार देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अरे यार सो गाइज देख सकते हैं साथ पहुंच गए फाइनली हम लोग यहाँ और सारे लोग अपने अपने शूटिंग कर रहे हैं। काफ़ी खतरनाक इन लोगों का मेकअप किया गया है जो कि ये लोग सभी जॉम्बी रोल निभा रहे हैं। तो चलिए और एक्टर से आपको मिलवाते हैं, देख सकते हैं ये है बाला। उनका वजन 1 क्विंटल का है, देख सकते हैं अपना एक्टिंग दिखा और देख काफ़ी खतरनाक एकदम डराना एकदम लग रहा है, देख सकते हैं। सो गाइस चलिए आपको सभी कलाकारों से मिलवाते हैं, देख सकते हैं ये लोग अपने अपने काम कर रहे हैं यहाँ। इधर देख सकते हैं आशीष है मेरा कैमरामैन, ये भी जॉम्बीज का रोल निभा रहा है। इधर है सुमित, देख सकते हैं पूरा दल इन लोग का आज पहुँच चुका है बैक टू बैक कॉमेडी चैनल का। और आज संडे है, स्कूल बंद है। और इधर है करण, चैनल का यही ओनर है उमेश, कुछ बोलो। हाय गाइस, आरके शर्मा का मैं सभी का एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है। गाइस आज हम लोग का जॉम्बी बस खाली सब्सक्राइब कर देना है, शूट पूरा कंप्लीट होने वाला है गाइस, 2-3 दिन के अंदर ये वीडियो आने वाला है गाइस। आज हम लोग का कुछ हमारे दर्शकों को कुछ झारखंडी भाषा में हाथी आता है जी, डरने लगता तुम लोग को? नहीं जी नहीं लगता डर, अभी हम इनके शूट हुए तो अभी हम बाद में बात कर बतौनी से। तो चलिए अभी ये लोग बाद में बात करते हैं, अपना शूटिंग पहले कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इन लोगों का शूटिंग दिखाते हैं। और इधर है कैमरामैन आकाश, जल्दी जल्दी है साइड वाले में कूदना है पकड़ जैसा।
और देख सकते हैं सारे ज़ॉम्बी जो लोग आसपास छिपे हुए हैं। और देख सकते हैं इसी प्रकार शूटिंग किया जाता है। देख सकते हैं काफी खतरनाक दिखाई दे रहे हैं सभी ज़ॉम्बी और काफी तगड़ा होने वाला ये वीडियो। गाइस वीडियो पे बने रहिए, आपको और अच्छे अच्छे शूट दिखाएंगे, तो लगे बने रहिए वीडियो पे, ऐसे ही कंटिन्यू। काफी मजा आने वाला है आगे हमारे वीडियो में। बिहार को रे बुझ भी मजा आता। सो गाइस देख सकते हैं काफी खतरनाक। चलिए अब सामने से दिखाते हैं कि क्या हाल हुआ है कलाकारों का। देख सकते हैं लग रहा है कि बम ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। सो गाइस ये वीडियो काफी मस्त होने वाला है, देख सकते हैं कलाकारों का मेहनत, और हमें लग रहा है कि इन लोगों का मेहनत काफी रंग लाएगी। देखिए कैसे लगे हुए हैं ये लोग अपने काम में। तो चलिए कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए और अच्छे अच्छे आपके व्यू दिखाते हैं, अच्छे अच्छे सीन। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करें, काफी मजा आएगा वीडियो। इस देख सकते हैं चल ये ज़ॉम्बीज देख सकते हैं बंटी को उठाने वाले हैं टोनी अपने बल से। और देख सकते हैं क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को शूटिंग में। देख सकते हैं काफी खतरनाक एक्शन करने वाले हैं, बस आप लोगों को प्यार देने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बैक टू बैक कॉमेडी 08 जो कि काफी ब्लॉकबस्टर होने वाली है ये मूवी यानी ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी खतरनाक और काफी मस्त वीडियो होने वाला है, जो कि काफी एंटरटेनमेंट मिलेगा इस वीडियो में आपको, क्योंकि जितने भी कलाकार है देख सकते हैं जो कि काफी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं सारे लोग। हम लोग का इधर शूटिंग चल रहा है जो कि लोधरी पोथी इसको बोलते हैं, क्या लोधे हम लोग बोलते हैं जैसे मुर्गी का लोधरी पोड़ी होता है पचोनिया, उसको निकालने का इधर काम हो रहा है। आइए मैं आप लोग दिखा दूंगा, ये देखिए भाई इधर लोधी पोचोनिया, लोधी पोचोनिया का ये लोधी पोचोनी। चलो हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं और ये यहां पे दबू है गाइस, खिंचवा दिए एक नंबर तो दिखो इसको। देखिए गाइस हम लोग का पोटी है, पोटी है ये हमारा पोटी है। तो हेलो गाइस वेलकम इधर, लोटी पोटी जो भी होता है क्या मुर्गी का पचोनी ये सब चीज निकल रहा है। तो गाइस अभी आप लोगों को और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो शूट देखने को मिलेगा, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब दबा के रख दीजिएगा गाइस, छोड़िएगा मत। ओए जो लाइक और कमेंट वाला है ना गाइस उसको दबा के चलना है गाइस, दबा के उसको छोड़ना नहीं है गाइस, जैसे बीबी के साथ में चलते वैसे दबा के चलना है। मजा आ गया भाई मजा। तो गाइस ये देखिए हमारे टकलू ज़ॉम्बी जो काफी अपना किरदार बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है ज़ॉम्बी? अरे आपको कैसा लग रहा है? कैप मिला है, कैप पहन के देखते हैं कैसा दिख रहा है, कमेंट करना कैप में कैसा दिखते हैं। तो रूमेस देख सकते हैं आज से अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, एक बार करके दिखाना तेरे सिक्स पैक बहुत अच्छा दिख रहा है। ओ माय गॉड उसमें लग रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। सो गाइज चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आज का हमारा ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमें मिल चुका है एक साइकिल, और साइकिल से ही हम सीधे घर जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।